लेकिन जो सोचा जो कल्पना किया उससे उससे बहुत आगे बहुत ज़्यादा सब कुछ यहाँ मिला हम लोगों को। और निश्चित तौर पे जो ये वादियाँ हैं, जो ये प्रकृति का जो अनुपम दृश्य है, वाकई हमें लगता है कई सालों बाद मैंने यहाँ पे देखा है। और इसके लिए मैं राकेश भैया का विशेष धन्यवाद दूंगा, एक बार उनके लिए तालियां प्लीज। तो सभी तरीके की उन्होंने हम लोगों को ख्याल भी रखा हम लोगों का, और हमारे काफ़ी सीनियर टीचर रहे हैं, तो हमेशा हम लोग जो है कि उनके योगदान को हमेशा जो है कि ये अतुलनीय मानते हैं। दूसरे हमारे संजय शर्मा भैया हैं, और अब तो ये हमारे क्लासमेट भी रहे, लेकिन यहाँ आने के बाद ये हमारे गुरु हो गए, क्योंकि जो गुरु जी का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो तो गुरु हमारे होंगे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरीके से चीज़ों को सिखाते हैं, और वाकई अपने बेसिक कोर्स भी आपके ही उसमें किया था, और जितने भी आज तक कोर्स हैं आपके साथ में ही मेरा हमेशा रहा। और जितने और जिस तरीके से जिस सुलभ तरीके से आप चीज़ों को बनाते हैं कराते हैं, ये वाकई बहुत प्रशंसनीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ पे बाकी सभी अपने प्रतिभागी जो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, आज जैसे संजय भैया ने बोला कि इतना करीब 20-22 मेडिटेशन किया होगा हम लोगों ने करीब, तो लगभग 20-22 मेडिटेशन करने के बाद यहाँ पे हम लोग जिस तरीके से सबके चेहरे खिले हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि वाकई लग रहा है जैसे कि एक नया परिवार मिल गया मुझे। और क्या कहूँ, अद्भुत 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 यही कह सकता हूँ। एक अपने गुरुदेव के चरणों में उनको संबोधित करते हुए मैं गाना गाना चाहूँगा। हीरे मोती मैरा चाहूँ, मैं तो चाहूँ संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया। प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तेरे दर पे डर जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं सैया।